हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। 1950 से लेकर 2018 तक, वर्तमान समय तक, भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके कार्यकाल के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे आज उनकी विशेषता के बारे में कि प्रत्येक राष्ट्रपति के साथ कौन सी विशेषता जुड़ी हुई है। आप सबको ये तो स्पष्ट पता है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और साथ ही ये भी आपको जानना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान करता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं संक्षेप में आपको बताता जाऊंगा, स्लाइड में चीज़ें आती जाएंगी, और साथ ही आपको राष्ट्रपति जितने भी अभी तक रहे हैं उनके चित्र भी देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, समझिएगा, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, देश के नागरिक होने के नाते भी आपको इन बातों को जानना चाहिए। एक्चुअली इस लेक्चर को बनाने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ लोगों से उस न्यूज़ चैनल के एंकर ने प्रश्न पूछे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, और उस न्यूज़ को देख करके आश्चर्य मुझे ये हुआ कि अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है महामहिम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, आपको ये जानना चाहिए। लेकिन अधिकतर युवा अब्दुल कलाम जी का नाम लेते रहे, कुछ ने तो और हद आगे करके राजीव गांधी जी का नाम ले लिया, कुछ कहते रहे कि प्रणब मुखर्जी हैं, तो कुछ कुल मिलाकर के सही उत्तर नहीं आ रहे थे। तो देश के नागरिक होने के नाते आपको अपने देश के राष्ट्रपति को जानना चाहिए, देश के प्रथम नागरिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज इस ब्रीफ लेक्चर में मैं कवर करूंगा 1950 से लेकर वर्तमान समय तक के सभी राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल और उनकी विशेषताओं के बारे में। आइए जुड़िए इस लेक्चर से और लास्ट तक इस लेक्चर को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब आप लास्ट तक इस लेक्चर को देख लेंगे तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक करने के लिए मैं ज़रूर आपको कहूँगा, ताकि आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। आइए जुड़िए इस लेक्चर से और जानिए राष्ट्रपति और विभिन्न राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के बारे में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, जैसा कि मैंने बताया, ये भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में प्रावधान करता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। आप सभी को पता है कि भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये सेनापति भी राष्ट्रपति होते हैं। वर्ष 1950 में राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई, और उसके बाद से अब तक भारत में 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आप सबको ये पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और जो लॉयर और लीगल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, हमको ये भी जानना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद साहब जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वे स्वयं एक अधिवक्ता थे और विधि के जानकार थे। भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में राष्ट्रपति सरकार की संसदीय प्रणाली का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह देश का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उस पर शासन नहीं करता है। शासन करने की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह आपको जानना चाहिए कि उसे पुनः चुनाव लड़ने की पात्रता है, और राष्ट्रपति कितनी भी बार, जी हाँ कितनी भी बार, इस पद को धारण कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, और महाभियोग पर मैं बहुत जल्द ही एक पूरा का पूरा लेक्चर लेकर आऊँगा। हम एक लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मत की गिनती कैसे होती है, कौन सी प्रणाली है राष्ट्रपति के चुनाव की। अभी आज के लेक्चर में हम जानते हैं भारत के विभिन्न राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक इन्होंने देश के राष्ट्रपति का पद संभाला। इनकी विशेषता ये है कि ये देश के पहले राष्ट्रपति थे, और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा है, 12 वर्ष ये राष्ट्रपति रहे हैं। जो दूसरे राष्ट्रपति देश के हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, 1967 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। विशेषता इनकी ये है कि ये पहले दक्षिण भारतीय राष्ट्रपति रहे,
और इनका जन्मदिन जो 5 सितंबर को आता है इसे पूरे देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरे राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। इनकी विशेषता ये है कि सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा है और साथ ही ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं जो देश के राष्ट्रपति बने। तीसरी विशेषता इनकी ये है कि पद पर रहते हुए इनका देहावसान हुआ। वराहगिरी वेंकट गिरी जिन्हें वीवी गिरी के नाम से जाना जाता है ये देश के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शासित हुए 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने शासन की बागडोर संभाली, देश के राष्ट्रपति का कार्यभार इन्होंने संभाला, तो हम ये समझ सकेंगे कि ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। फिर वीवी गिरी के बारे में बहुत चर्चा का विषय रहा कि उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद ये वापस से चुनाव में आए, तो उस समय जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे एम हिदायतुल्ला साहब, इन्होंने कार्यकाल संभाला था कुछ समय के लिए, ये कार्यवाहक बने थे। तो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एम हिदायतुल्ला देश के राष्ट्रपति रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इनकी विशेषता ये रही कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है इन्होंने और एम हिदायतुल्ला साहब को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर चुनाव जीतकर वापस से वीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं और 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये जो है देश के राष्ट्रपति रहते हैं। विशेषता ये है कि वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के रूप में काम किया है। देश में 5वें राष्ट्रपति के रूप में पदासीन होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। ये दूसरे भारतीय राष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है। फिर इनके बाद अगले राष्ट्रपति के रूप में पद पर आते हैं बी.डी. जत्ती, इनका पूरा नाम है बसप्पा दनप्पा जत्ती। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये पद पर रहते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद जी के निधन के बाद इन्होंने कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद संभाला था। फिर छठे राष्ट्रपति आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक देश के राष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला। इम्पॉर्टेंट ये है कि 64 ईयर्स की एज में 64 वर्ष की आयु में पद ग्रहण करने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी हैं। 7वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पद पर आते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक 25th of July 1982 to 25th of July 1987 तक ये पद पर रहते हैं और इनके बारे में विशेषता ये है कि देश के पहले सिख राष्ट्रपति हैं ये। फिर आते हैं रामास्वामी वेंकट रमन, आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। 76 ईयर्स की आयु में पद ग्रहण करने वाले सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। फिर 9वें राष्ट्रपति के रूप में पद पर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर 10वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं कोचेरिल रमन नारायणन, के आर नारायणन देश के 10वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक ये पद पर रहे। ये देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन हैं, तो राष्ट्रपति के आर नारायणन, वैसे दलित शब्द को उपयोग करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, ये शब्द सही नहीं है, तो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं के आर नारायणन साहब। 11वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पद पर आते हैं APJ अब्दुल कलाम, भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब रहे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये पद पर रहे। वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक एवं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया है। इसके पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनका पद पर देहावसान हो गया था। फिर 12वें नंबर पे आती हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये पद पर रहीं और इनकी विशेषता ये है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रहीं। फिर 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पद पर आते हैं प्रणव मुखर्जी, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक प्रणब दा देश के राष्ट्रपति रहे।
इनकी विशेषता ये है कि ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो विदेश मंत्री भी रहे हैं भारत में, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और जो राष्ट्रपति भी रहे हैं। वर्तमान समय में देश के 14वें राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। 25 जुलाई 2017 को इन्होंने पद धारण किया था और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये पद पर आरूढ़ हैं। ये अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष रहे हैं और देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, के आर नारायणन साहब के बाद ये पद पर आरूढ़ हुए हैं। तो रामनाथ कोविंद जी वर्तमान समय में देश में राष्ट्रपति के पद पर शासित हैं और देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, ये देश के राष्ट्रपति का 15वां कार्यकाल है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कई बार जनरल नॉलेज में परेशानी हो जाती है लोगों को। 15वां कार्यकाल इसलिए है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद साहब ने लगातार दो कार्यकाल पूरा किया था। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और दूसरे राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद थे। अगर इस तरह से देखें तो रामनाथ कोविंद जी 15वें राष्ट्रपति हैं क्योंकि दो राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को अगर हम एक मान लेते हैं तो ये 14वें राष्ट्रपति बनते हैं। इस तरह से आप ध्यान से समझिएगा तो आसानी आपको होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने आज देश के राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ जाना, आपने सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को समझा, आपने ये भी समझा कि एक एक राष्ट्रपति की विशेषता क्या है और उन विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे, या प्रश्न ये आता है कि देश के पहले सिख राष्ट्रपति कौन रहे, या प्रश्न एग्जाम में ये आता है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही। तो आज आपको ये सारी विशेषताएँ पता चली होंगी इस लेक्चर में। अपने देश को जानिए, देश के कानून को जानिए, संवैधानिक संस्थाओं को जानिए, सशक्त बनिए। ये चैनल सिर्फ इसी उद्देश्य से आपके लिए लाया गया है। हम ये सोशल कॉज कर रहे हैं आपके साथ ज्ञान साझा करके। आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।